सीखो नहीं दिया, सिर्फ दो दो बहन को दिया, मतलब कि एक तो जिसका पैरालाइज मार दिया था आसाम में, और एक बहन को जो रहने का जगह नहीं था, हम यहाँ पर ही, यहाँ पर उसको समझो कि वहाँ पर ही बोला कि यहाँ पर ही रहो तुम। एक बार फिर नजर आया, दौलत ने भाई को लूट लिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एमको न्यूज़। जैसा कि आपको बता दें, दौलत की हवस में एक भाई ने अपने ही भाई को लूट लिया। खबर कोलकाता के बेनियापुकुर थाना अंतर्गत 3x38A/H/4 डॉक्टर सुरेश सरकार रोड कोलकाता 14 की है। जैसा कि आपको बता दें, ये प्रॉपर्टी शेख मरहूम जाने आलम की है। जाने आलम के दो बेटे हैं, शेख फारूक और मुबस्सिर आलम। दोनों ही भाई इस प्रॉपर्टी में बराबर के हकदार हैं, लेकिन बड़े भाई शेख फारूक का ये इल्ज़ाम है कि उनके छोटे भाई मुबस्सिर आलम ने पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा लिया है और उनका हक उनको नहीं दे रहा है। शेख फारूक का ये भी इल्ज़ाम है कि मुबस्सिर आलम इल्लीगल तरीके से बिल्डिंग के छत पर रंग का कारखाना चला रहा है। शेख फारूक ने यह भी कहा कि वो बेनियापुकुर थाना में लिखित कंप्लेन भी दिए हैं और वो कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। आइए सुनते हैं क्या है पूरी खबर शेख फारूक की जुबानी। डिस्प्यूट यही है जो हमारा दो भाई का लेने का था जगह, मतलब माँ का बोला हुआ था, बाबा का बोला हुआ था, मतलब वो हम लोग को कुछ नहीं दिया। देने के बाद जब हमारा तबीयत वबीयत ख़राब करके सिर्फ हमको 450 square feet दिया। जब हमारा घर से कुछ तबीयत ठीक कर आया तो होने के बाद हम देखा तो बोले हाँ भैया बनाया है। सिर्फ किसी को कुछ बोल बाल करके हमसे कुछ नहीं बोला। बोलने के बाद करके बोला हाँ आपका ये तो 450 square feet का है इतो, और अपने बोला कि हम 1150 का लिया है, आपको हम बाद में दे देंगे। मगर अभी तक के कुछ आपको देने की कितनी की बात है? 1100 square feet। अच्छा, आपको 450 मिला? हाँ, 450 दिया है और 1100 square feet जो बनाए उनको भी बोल करके रखा कि हाँ भैया को भी जितना हम लिया है जगह उतना हम उनको भी देंगे जगह। अच्छा, मतलब ये जो जमीन जो है वो किसके, ये जो जगह जो है वो किसके नाम पे? जगह जो है मेरे पिताजी के नाम में था। क्या नाम था आपके पिताजी? शेख जाने आलम। अच्छा, शेख जाने आलम। अब जो नहीं दे रहा है वो कौन हुआ? वो हुआ हमारा छोटा भाई। क्या नाम? मुबस्सिर आलम। तो आपको ये जो जगह जो नहीं दिया जा रहा है इसको लेकर के आपने क्या एक्शन लिया है, क्या कंप्लेन किया? हम कंप्लेन यही किया है जो मतलब कि अब जो हुआ बाकी, अब समझो कि दो हमको नहीं दोगे तो फिर अपना आप लोग मतलब देखिए क्या चीज़ का कैसा गलती किया है सब। आपने कोर्ट में अर्जी दिया है? हाँ, कोर्ट में अर्जी आप देंगे। थाना में कंप्लेंट किया है। कौन सा एड्रेस क्या है आपका, जहाँ पे जगह है वो एड्रेस क्या हुआ? 3x38A/H/4 3x38A/H/4 डॉक्टर सुरेश सरकार रोड कोलकाता 14। कौन सा थाना पड़ा हुआ आपका? बनियापुकुर में। बनियापुकुर थाना में डायरी किया हुआ है, सब दिया हुआ है। बनियापुकुर में कंप्लेंट किया हुआ है डीसी क्वार्टर में भी, डीसी को भी दिया हुआ है। क्या समझे, आज खास मीडिया करने का क्या वजह है? मीडिया करने का यही वजह है जो हमारा भाई हमारा साथ जो गलत किया है, हम लोग के साथ भाई बहन लोग का साथ, वो समझे यहाँ पर ये तो समझो कि समझ रहा है कुछ आदमी उसको साधु और वो निकल रहा है शैतान। तो ये आप इसी झड़प आप कितने दिनों से चल रहा है ये मामला? तो हम लोग का शुरू ही से चल रहा है। अब देंगे मतलब अब उसका कब नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा। तब फिर लास्ट में हमको इस मकान इसमें उठाने पड़ा। आप लोग कितने भाई बहन? हम लोग 6 बहन के साथ किया जा रहा है। 6 बहन 2 भाई। तो क्या सबको हक मिल गया है? ये सिर्फ आपके साथ ये मामला हुआ? ये हमारा साथ है, मतलब कि सिर्फ हमारा था वो वाला घर, मगर बनाने का बाद बोला कि भैया 6-6 lakh rupees करके बहन लोग को दे दें। हम लोग हाँ दे दो, क्या होगा किसको देगा, बहन लोग को देगा ना, मगर किसी को नहीं दिया। सिर्फ दो बहन को दिया, मतलब कि एक तो जिसका पैरालाइज मार दिया था आसाम में, और एक बहन को जो रहने का जगह नहीं था, हम यहाँ पर ही उसको समझो कि वहाँ पर ही बोला कि यहाँ पर ही रहो तुम, बस यही दोनों को। भाई बहन का नाम बताया आपने? हाँ, वो सब भाई
मैम का नाम बताइए आप। हमारी बड़ी बहन का नाम है अफरोज जहां, जो अंजुमन स्कूल की टीचर थी, जो वो अभी रिटायर हो गई है। एक है आपका शाइस्ता बाजी, उसके बाद हम हैं शेख फारूक, फिर उसके बाद शैला, उसके बाद समझो कि गजाला आपका वहाँ आसाम में जो हुआ, फिर उसके बाद ने मुबशिर, उसके बाद ने दो जौआ बहन, एक का हुआ रूपन स्ट्रीट में आपका मतलब कि ससुराल, दोनों भाई से शादी हुआ था, दोनों भाई दोनों बहन थी समझो कि एक ही घर में रहती थी। उसी के बाद में उन लोग को बोले गया कि वहाँ पे तुम लोग जाकर के रहो, अब उसका तुम घर बन गया है, तुम मतलब कि 6 लाख रुपया नहीं दे रहा, तुमको यहाँ पर ही रहो। तो फिर हम बोला एक काम कर, जब तुम्हारा मतलब उसका हमरे बाद वाली जो बहन थी शैला, उसका हस्बैंड मतलब कि दोनों इंतकाल कर गए थे, पहले शादी कराने के बाद दोनों इंतकाल कर गए थे। तो उसके बाद हम लोग एक काम करो मतलब कि जब तक पैसा नहीं दे रहा तो तुम्हारा जो 6 लाख रुपया है तुम उससे कुछ पैसा मांगो। वो बोला कि ठीक है, हम उतर के नहीं दे सकेंगे एक साथ, तो हम उसका एवज में कुछ पैसा करके इंटरेस्ट कुछ कर देंगे। आपके भाई जो देने का जो वादा किए थे, हाँ। उसका कोई दस्तावेज पेपर ऊपर में कुछ है आपका, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है? हाँ, सब पेपर ऊपर समझो कि उन लोग के पास में है वहाँ पर। आपके पास में है कि नहीं? हमारे पास में मतलब कि हमारा वहाँ पर ही रखा गया है यहाँ पर। कारखाना में और वहाँ पर जो अपना बिल्डिंग का ऊपर में हमको भी कुछ नहीं बताया, ऊपर में आपका रंग का पूरा कारखाना कर दिया। आप क्या चाहते हैं ये बताइए? आखिर में हम चाहते हैं कि वो रंग का कारखाना उड़ जाए जी। पूरा बिल्डिंग डैम्प हो रहा है पॉल्यूशन से, पूरा आपका मतलब जगह पूरा ये हो रहा है, 60-65-70 आदमी का मतलब कि पूरा कंप्लेंट आया हुआ है। दिखाइए कंप्लेंट कहाँ ठीक। अच्छा, आपके लीगल एडवाइज़र हैं, मैं इनसे भी पूछने की कोशिश करूंगा। जी बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि इन्होंने बताया, इनके भाई ने इनको हक से महरूम रखा, काफ़ी सीटिंग हुई इनके, उनके बीच में कुछ हल नहीं निकला। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले कम से कम 3 मिनट लॉकडाउन के आप पहले से रंग कारखाना उन्होंने चालू किया, बिना इनसे पूछे हुए एक रंग का वहाँ कारखाना टॉप फ्लोर पे चालू किया, जो कि इलीगल है। और वो रंग के कारखाने से पूरे बिल्डिंग के लोगों की दिक्कत है। और दूसरी चीज़ अभी ने बिल्डिंग में और इनको जो है, इनका जैसा कि कहना है कि इनको बिल्डिंग में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है, वो सपोर्ट ऑफ एंटी सोशल्स के थ्रू इनको जब ये जाते हैं इनको भगा दिया जाता है। ना इनसे कुछ पूछा गया उस रंग कारखाना के खिलाफ, और इनको भी कंप्लेन आ रही थी वहाँ से काफ़ी लोगों की कि ये रंग कारखाना कैसे चल रहा है, बिल्डिंग के सारे लोगों को इसमें दिक्कत हो रही है, पानी में गंदगी हो रही है उस रंग कारखाना के लिए, जिसके लिए इन्होंने कंप्लेन भी किया है पुलिस को और डिप्टी कमिश्नर को भी। और पुलिस ने इन्हें आश्वासन दिया है और पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है कि ये कैसे चल रहा है और क्यों चल रहा है। एज ए लीगल एडवाइज़र आप जो है, क्या स्टेटस अभी का है? अभी तो ये जैसे मेरे पास आए बताए मुझे, तो मैं अभी इस केस को प्रोसीडिंग के लिए इसका पेपर सारा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या पेपर्स है जिसके थ्रू हम कोर्ट में फर्दर प्रोसीडिंग कर सके। वो पेपर्स हम लोग अभी सब लगे हुए हैं निकालने में, कॉपीज उसका। जिस बिल्डिंग का डिस्प्यूट हो रहा है जी, उसी में क्या, उसमें कितने कितने टेनेंट हैं जी? अभी तो उनका कारखाने से परेशानी हो रही है, आपका करीब 20-25 है ना, 20-25 करीब टेनेंट है उस बिल्डिंग में, 20-25 टेनेंट्स है। कितने टेनेंट है? 20-25 के करीब टेनेंट्स उस बिल्डिंग में जी। मतलब फारूक साहब का जो कंप्लेन है वो उनको खुद उनके भाई के जो खुद उनको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं उसको लेकर है या दोनों? क्योंकि रंग का ये बिल्डिंग में इनका भी शेयर है, तो इनका कहना है कि इनके बिना परमिशन से एक भाई कैसे छत पर रंग कारखाना चला रहा है, जो ये टोटली इलीगल है। इनको दोनों चीज़ से ही तकलीफ है, दोनों चीज़ से। लीगल प्रोसेस के हिसाब से आप आपको क्या लगता है कितना कितना हक होना चाहिए ये इन जो भाई बहनों को? ये तो फर्दर बिल्कुल बता रहा हूँ, ये तो फर्दर पूरे पेपर मिलने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे और कोर्ट की तरफ मूव करेंगे कि इनका क्या हक है, किस चीज़ से इन्हें महरूम रखा गया है, ठीक है। और हम लोग इनका जो रंग कारखाना चल रहा है वो लीगल कैसे किस तरह से चल रहा है, क्या हिसाब से चल रहा है, लीगल है इलीगल, उसके लिए भी हम लोगों ने कंप्लेन किया है और उसकी भी जानकारी हमें बहुत जल्दी ही सब प्राप्त होगी। आप अपना पूरा तारुफ बता दो। मेरा नाम सैफ अली अंसारी, एडवोकेट।
जो भलो लगले लाइक एवं शेयर करूँ कमेंट सेक्शने गए जानान आपनादेर मतामत और वीडियो पेते आमादेर चैनल सबस्क्राइब करूँ एवं प्रति मुहूर्ते खबरेर आपडेट पेते प्रेस करूँ बेल आइकन।